So hello friends, welcome to the third video in this series of paper 2 preparation for CAPF. तो next officers पे हम लोग इस साल हमने interviews conduct कराए थे बच्चों के और एक बहुत ही अच्छा response उनसे हमें मिला. तो उनके inputs को लेकर और अपने experiences को लेकर हम लोगों ने ये पूरा एक यहाँ पे content create कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि आप paper 2 के लिए और CAPF के in general अपने preparation को enhance कर सकते हैं. But at the same time, I would like to tell you that you can connect with us on the Telegram, Instagram. Telegram पे और Instagram पे हमारा Next Officers का channel और page है, respectively. You can follow them. आप मुझसे भी पढ़ते हो अर्पित कौशिक के नाम से, आप मुझे connect कर सकते हैं LinkedIn या Instagram पे. And जो भी आपके queries हैं कि आप practice material चाहते हैं, तो we provide them on free basis, on daily basis. और जो आपके answers हैं, you can share them with us. We can evaluate your answers. We will also provide you the model answers, जिनके साथ comparison करके आप देख सकते हैं कि आपने कैसा perform किया वहाँ पे, एक benchmark को लेके आपके performance कैसी रही है. So on that note, इस video का जो agenda रहेगा वो है how to solve the dilemma of how to begin and how to improve. एक बहुत ही बड़ा डायलेमा निकल के आता है कि हम स्टार्ट कैसे करें, मतलब कंटेंट से स्टार्ट करें या ग्रामर से स्टार्ट करें. तो जो लोग इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं, आई एडवाइस देम टू वॉच आवर प्रीवियस वीडियोस जहाँ पर मैंने बताया कि कंटेंट और ग्रामर यानी कि राइटिंग स्किल्स एंड टाइम मैनेजमेंट तीन मेजर हमारे पिलर्स होते हैं पेपर टू के. और बच्चे ये सोचते हैं कि मैं कंटेंट पहले करूँ कि मैं ग्रामर पहले करूँ, या फिर अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो मेरा एफर्ट कंटेंट पर रहेगा या ग्रामर पर रहेगा. सी, From where to begin, it depends on your comfort zone. कोई fixed rule नहीं है. आपको ये देखना है कि आप GK में ज़्यादा comfortable है या English में ज़्यादा comfortable. So whatever your strength is, begin with that. मैंने आपको first video में एक चीज़ show की थी कि कैसे question 1, question 2 आपका GK heavy होते हैं, question 3 आपका transition होता है, and question 4, 5, 6 आपका English heavy होता है. तो दोनों ही कंपोनेंट की एक अपनी इंपॉर्टेंस है इसमें. तो जो भी आपका कंफर्ट जोन है, यू बिगिन विद देयर, उस चीज़ को एक बार कंप्लीट कर लीजिए, देन ग्रेजुअली मूव टू दी अदर पार्ट, जीके और इंग्लिश. तो जनरली लोग क्या करते हैं कि यू नो, कंप्लीट योर एसेज एंड आर्गूमेंट फर्स्ट, पढ़ते टाइम भी और पेपर में अपीयर करते टाइम भी. आपको पेपर 1 और क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और आप क्योंकि इनिशियली आपका यू नो दिमाग थोड़ा सा शांत होता है, ज़्यादा बेटर आप सोचने की कंडीशन में होते हैं, पैनिक कम होता है. तो यू कैन वेरी वेल बिगिन विद द एसेज एंड आर्गूमेंट, जो कि एक जी के वी कैन से कॉन्टेंट हैवी क्वेश्चन होते हैं. ऐसे ही प्रेपरेशन के टाइम पे आपका जो एक मेजर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपका एक मेजर फोकस है वो इन दो क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा रहेगा. 50% आपकी प्रेपरेशन इधर रहेगी, बाकी की 50% आपकी बाकी की 4 क्वेश्चन पर रहेगी. तो क्योंकि इसमें ब्रेन स्टॉमिंग ज़्यादा होनी है, आपका दिमाग फ्रेश है, पैनिक कम है, पैनिक और ब्रेन स्टॉमिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं. जब आपके लास्ट के 10 मिनट्स होंगे, आपके पास सोचना आपका दिमाग कम करना बंद कर देगा, आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली फ्लो कर रही होंगी. इसलिए बेटर है कि इन क्वेश्चन को पहले कर लेना चाहिए. तो नाउ अगर डायलेमा कॉन्टेंट करें या ग्रामर करें, मैंने आपको बताया कि क्या बेटर है, कैसे आपको बिगिन करना चाहिए, और अब इस डायलेमा को रिजॉल्व करने के बाद आपको स्टार्ट कैसे करना चाहिए. एक बार हमने स्टार्ट कर दिया है, हमने एक लेवल अपना क्रिएट कर लिया है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, हाउ टू इम्प्रूव. मैंने अगेन अपने फर्स्ट में वीडियो में बताया था वो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज़ द प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उनकी प्रैक्टिस करो. जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे अपने प्रिपरेशन को लेकर, कि आप एक कॉन्फिडेंट है कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है, मैंने बड़ी ही यू नो लोगों से वीडियोस देख के या बात करके उसको फॉर्मुलेट करा, मेरा जो कंटेंट है मैंने खुद से पढ़ा है, खुद से प्रिपेयर करा है. और आप क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वही लोग हैं पेपर सेट करने वाले, जो वो भी उन्हीं अखबारों को पढ़ रहे हैं, वो भी वही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, पर देखने का नज़रिया बदल जाता है. तो उस चीज़ को कैसे करें, उसके लिए प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है. जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आप उनसे प्रैक्टिस कीजिए, आपको जो कंटेंट मिलता है, कोई बुक है आपके पास या आपका खुद का कंटेंट है, उस पर प्रैक्टिस कीजिए. और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप हमसे कनेक्ट हो जाइए, हम डेली बेसिस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो यू नो टॉपिक्स प्रोवाइड करते हैं, वो सब चीज़ें आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. सेकंड इम्प्रूव करने के लिए जो पॉइंटर आता है वो है टू एनालाइज एंड अटेम्प्ट सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन.
तो आपको ये नहीं करना है। मतलब मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब हम किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं 3 घंटे बैठ के हमने उसे राइटिंग करी, उसके बाद लगता है उसको हटा के एक तरफ कर लो, मैं थक गया, 1 घंटे के बाद इसका एनालिसिस करूँगा। 3 घंटे हमने पेपर दिया, 1.5 घंटे में उसका एनालिसिस कर देते हैं, आधे घंटे में हम उसके टेक अवेज लेते हैं, उसके बाद पेपर में साइड कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू अटैम्प्ट द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। एक क्वेश्चन को एक बार अटैम्प्ट करना, दैट्स नॉट द की। उसको बार बार अटैम्प्ट करके देखिए कि मैं हर एक अटैम्प्ट में पिछली बार से ज़्यादा कैसे इम्प्रूव कर रहा हूँ, और उस इम्प्रूवमेंट के लिए यू हैव टू कंपेयर योर आंसर्स विद दोज ऑफ टॉपर्स एंड अदर कैंडिडेट्स। जो बाकी के बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे कैसे कनेक्ट करेंगे, जो हमारे यू नो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर बच्चे कनेक्टेड हैं, हम उनके आंसर्स पोस्ट करेंगे, आप अपने पोस्ट कीजिए, आप कंपेयर कीजिए कि किसका मुझसे कम बेटर आंसर है, आप उसको अपना ओपिनियन बताइए कि यार आप ऐसे इंप्रूव कर सकते हो। इस तरीके से आपका अपना भी लेवल इंप्रूव होगा, जब आप पेपर वहाँ पर दे रहे होगे बैठ के, आपको याद आएगा कि यार यही चीज़ थी मैंने दूसरे में इंप्रूव कराई थी, एंड इट्स वेरी गुड, चलो मैं इंप्लीमेंट कर पाया, मैंने लिख दिया। तो ये चीज़ें होती है जो आपको कॉन्फिडेंस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाती हैं। सिर्फ पूरे तरीके से तैयारी कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा टॉपर भी नहीं है जो ये पहले कह दे कि मैं तो क्लियर हो जाएगा मेरा। इट्स जस्ट द कॉन्फिडेंस, आपको कितना भरोसा है अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर, वो चीज़ें मायने रखती हैं। तो जब आप सेम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, आप एक इम्प्रूवमेंट फील करेंगे अपने अंदर, और आप दूसरों के आंसर्स पढ़ेंगे और मॉडल आंसर्स पढ़ेंगे जो आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आपको एक बेंच मार्क मिल जाएगा। आप हमेशा किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो अपने क्वेश्चन को पढ़वाने के लिए, आप खुद से इवेल्यूएट कर सकते हो कि मैंने कैसा लिखा है। That is more important. So, get your answers and practice papers evaluated. इस self improvement के बाद, जैसे मैंने बताया कि आप model answer से compare कीजिए, question को बार बार लिखिए, उसके अलावा आप जो आपका answer है किसी एक professional बंदे से उसको check कराइए, जैसे हम लोग paper 2 के answers को you know copy checking की एक services भी provide कर रहे हैं, तो आप उन answers को check करवाइए, evaluate करवाइए professional से, जो बहुत सारे आंसर्स डेली बेसिस पे चेक करते हैं, दे कैन हेल्प यू आउट कि इसमें क्या चीज़ों को कैसे इम्प्रूव करना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो ये मेरा आपसे एक बड़ा ही मतलब यू नो बड़ा एक सिंसियर मेरी एडवाइस है कि इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं, गिव योर बेस्ट। हमेशा लक आपके फेवर में नहीं होता है, कई बार अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना पड़ता है हमें, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है सामने, हिट इट हार्ड, ठीक है। मतलब इस पर कट ऑफ डेफिनेटली कम जाएगी और कंसिडरेबली कम जाएगी, इट्स नॉट कि 2-3-5 नंबर कम हो गए, कंसिडरेबली कट ऑफ कम जाएगी। यू हैव द चांस, टेक इट। अगर डिफेंस में जा रहे हैं भाई तो करो, दम लगाओ, निकलो, सिलेक्शन लो, अपने पसंद के फोर्स लो, बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अपना बेस्ट यहाँ पर देने के लिए रेडी हूँ, लोगों के साथ आप यू नो हमारे यू कैन कनेक्ट विद अस, यू कैन हमारे जो पूरी एक कंटेंट है जो हमने रखा हुआ है प्रिपेयर करके, कि प्रीवियस ईयर पेपर से अपने जो हमने तैयारी करी, जो बच्चों के हमारे पास इनपुट्स हैं, वो आपको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके शेयर करेंगे। उनको प्रैक्टिस कीजिए, उनको शेयर कीजिए अपने आंसर्स को, कंपेयर कीजिए, दूसरे की कॉपी को इवेल्यूएट कीजिए, अपने कॉपी को इवेल्यूएट करवाइए। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, सर कौशिक एट नेक्स्ट ऑफिसर्स, बट डू कनेक्ट विद अस, थैंक यू।